हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसीज जो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में आ चुका है, रोजगार समाचार में। वहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज 62,907 वैकेंसीज का जो एडवर्टीजमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये चीज़ आ चुकी है। आइए मैं उस न्यूज़ को आपको दिखा देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को। यहाँ देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर आता है रोजगार समाचार, उसमें 10-16 फरवरी का एडिशन है। इसमें आप पेज नंबर 16 देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये सारी अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ऑफिशियल साइट पर ये नहीं आया है, एक दो दिन में अभी आ जाएगा। आइए मैं बता देता हूँ इनके बारे में आपको। ये ग्रुप डी की पोस्ट है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, गेटमैन, पॉइंट्समैन, हेल्पर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ETC, ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज 62,907 हैं। यहाँ पर ये टेंटेटिव हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ पता चलेगा। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 18,000 रुपीज़ आपका सैलरी होगा, जो कि लेवल 1 है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। एज आपका 18-31 ईयर्स होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास और ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज बाई NCTV और SCTV, ये होना चाहिए, या फिर 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड इंडियन रेलवे के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके होने चाहिए। और एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD और फीमेल कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 250 रुपीज़ फीस है, और अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज़ फीस है। अदर मीन्स जनरल और OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। डेट्स की अगर हम बात करें तो 10th February से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12th March रखी गई है। और यहाँ पर आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर SBI बैंक का चालान भी आप जमा करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी चालान जमा करा सकते हैं। ये डिफरेंट RRBs की साइट्स हैं, यहाँ पर आप किसी पर भी, अभी एक दो दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहाँ पे इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा या रिक्रूटमेंट टाइप जो होगा वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। उसका वीडियो भी मैं आपको जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा साइट पर आपको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अभी ये वैकेंसीज हैं जो टेंटेटिव हैं, वहाँ पर एक फिक्स वैकेंसीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गवर्नमेंट जॉब्स की रेगुलर अपडेट्स के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।